करियर के तो बहुत सारे रास्ते हैं, डिसाइड हमें करना है कि चलना किस रास्ते पे। सब जगह बहुत अच्छी सैलरी है, सब जगह ऑप्शंस अवेलेबल है। ये जितनी कैटेगरी में आपको बता रहा हूं, आप मुझे बताएं, अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो भी आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, कमा तो वहां भी सकते हैं। अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो सीए में भी बहुत अच्छे ऑप्शन है, अगर आप मैथ्स लेते हो तो इंजीनियरिंग में भी बहुत अच्छे ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ। तो सैलरी इन सारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, मतलब किसी भी एरिया में अगर आप चले जाएंगे सो यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ जॉब हियर। लेकिन मेरा सजेशन ये है, एक बार पढ़ो सबको, उसके बाद डिसाइड करो कि आपको कौन सा एरिया बेस्ट लगता है, क्योंकि जब तक आप इनको पढ़ोगे नहीं तब तक आपको एरिया समझ में नहीं आएंगे। हाँ, ये मेरी श्योरिटी है कि C++ इन सब में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा। अगर आप C++ को बहुत अच्छे से सीखते हैं तो दिस इज माय श्योरिटी कि जिस दिन आप मेरा मशीन लर्निंग का कोर्स देखेंगे वहां भी आपको C++ की हेल्प समझ में आएगी, जिस दिन आप पाइथन का कोर्स देखेंगे वहां भी आप डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे वहां भी वेब डेवलपमेंट का कोर्स देखेंगे, क्योंकि ये वो लैंग्वेज है जो फ्यूचर लैंग्वेजेस के बेस को रेडी करती है। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि यहां फोकस करिए अभी तो पहली स्टेप पे, लेकिन करियर एस्टेब्लिशमेंट आपको कहां करना है वो आप जब सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। अभी केवल नाम से मत जाइए कि सर AI मशीन लर्निंग बहुत ऑप्शन है, अरे C++ में गूगल करके देखिए हाउ मेनी जॉब्स आर अवेलेबल इन C++, पूरा गूगल भर जाएगा, इतने जॉब्स अवेलेबल हैं C++ में। तो देखिए जॉब्स तो बहुत है बेटा, अपने आप को रेडी करना पड़ेगा आपको जॉब के लिए। मार्केट में जॉब बहुत है, कंपनी नीड अ पीपल हु इज एक्चुअली हैविंग अ टैलेंट। यहां क्या है कि बॉस बहुत लोग हैं लेकिन टैलेंट बहुत कम है, और उसी टैलेंट के लिए यह सारी मेहनत चल रही है कि बस आप पढ़िए, आप अपने आप को निखारिए। एंड बिलीव मी, ये जितने कोर्सेज हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं ये सारे कोर्सेज इंडस्ट्री लेवल के कोर्सेज हैं, कि एक बार अगर आपने इनको रेडी कर लिया तो ये मेरी श्योरिटी है बॉस जॉब तो बड़ी आसानी से लगना है, क्योंकि जिस लेवल पे हम C++ पढ़ने वाले हैं इंटरव्यू प्रोजेक्ट सब कुछ कवर करेंगे। और एक क्या चाहिए आप मुझे बताएं, क्या थॉट है आपका जॉब के लिए, यही ना कि एक अच्छी टेक्नोलॉजी सीखना है, ठीक है, क्या थॉट है आपका, सर प्रोजेक्ट बनाना है वो हम यहां कवर करेंगे, सर इंटरव्यू क्वेश्चंस वो हम यहां कवर करेंगे, सर एक अच्छी जॉब वो हम यहां पे कवर करके बताएंगे कि कैसे आपको अच्छी जॉब मिलेगी, और उसमें भी मैं आपकी हेल्प करूंगा, उसमें भी डेटा फ्लेयर आपकी हेल्प करेगी। जॉब पोर्टल पे आप देखिए हमारे, जहां पर आपको मल्टीपल जॉब्स ऑप्शन मिलेंगे, और नॉट इवन बिफोर द जॉब, ये भी मेरी श्योरिटी है कि आफ्टर द जॉब इज ऑल्सो डेटा फ्लेयर इज अवेलेबल फॉर यू। अगर आपको इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आती है जस्ट गिव अ मैसेज, वहां पर भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैं आपके साथ हूं। लेकिन बस आप अपने ड्रीम को पूरा करिए, यही हमारा ड्रीम है कि आपका ड्रीम पूरा हो, राइट। और प्लान करिए, जैसे मैंने पहले भी कई बार बोला है, प्लान करिए खुद का मालिक बनने का, अपना स्टार्टअप प्लान करिए, करिए 2 साल जॉब, ठीक है, एक्सपीरियंस लीजिए, थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करिए। और देखिए स्टार्टअप के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपके आइडिया पे पैसा लगाने के लिए तैयार है, बस आप तो थॉट लेके आइए। पैसा लगाने के लिए तो बहुत लोग रेडी हैं, लेकिन आपको अपने आइडियाज बढ़ाने पड़ेंगे, और वो तभी होगा जब अपने आप को पॉलिश करेंगे। तो बेटा मेहनत करना पड़ेगी थोड़ी सी, और ये सही समय है, बस इस समय पे मेहनत अगर आपने कर ली तो उसके बाद तो फिर पूरी लाइफ जो है वो सेट है, पूरी लाइफ सेट है। और बिलीव मी, ट्रस्ट मी, थोड़ा सा डिफरेंस बात कर रहा हूं, अभी वापस आता हूं टेक्नोलॉजी पे, लेकिन बिलीव मी जितनी मेहनत आप करेंगे हर मेहनत पे भगवान आपके साथ में, बस आपको छोटे छोटे लालच से बचना है। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, देखिए यदि आपको यहां से यहां अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, सपोज ये आपकी ड्रीम कंपनी है और आपने यहां से चलना शुरू किया है, हर लेवल पे आपका हाथ ऊपर वाला दे रहा है, आपका साथ ऊपर वाला दे रहा है, लेकिन वहां पर क्या होगा, आपको छोटे छोटे लालच भी देगा, ठीक है, छोटे छोटे लालच, मतलब ठीक है आपका ड्रीम है कि सर मुझे टॉप एमएनसी में जॉब करना है, मुझे अपना स्टार्टअप रेडी करना है, ठीक है, लेकिन यहां पर जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, यहां पर आपको एक ऑफर मिलेगा 10 लाख का, ठीक है, ये 10 लाख का ऑफर मिल गया। अब यदि आपने ये 10 लाख का ऑफर पकड़ लिया तो बस भगवान की बाकी की मेहनत बचा ली आपने, एक्चुअली उनको तो आपके साथ में चलना है ना, ऊपर वाले को तो आपके साथ में चलना है, क्योंकि उसको पता है आप मेहनती है। तो ये छोटे छोटे से ड्रीम्स, ये छोटे छोटे से लालच से बचना पड़ता है अगर अपने को एक्चुअल ड्रीम अचीव करना है। बात समझ में आ रही है? तो यहां तक लेके जाएंगे, बिल्कुल लेके जाएंगे, ऊपर वाला साथ है, वो तो साथ है ही, मैं भी आपके साथ हूं, डेटा फ्लेयर भी आपके साथ है,
तो बस आप अपने ड्रीम तक कैसे पहुंचना है उसकी तैयारी करिए, पाथ रेडी करिए। और उसी सिलसिले में हम बात कर रहे हैं यहां पे कि बॉस इस टेक्नोलॉजी को पढ़िए, गोल डिसाइड करिए। सबसे पहली चीज, डिसाइड योर गोल कि आपको जाना कहां है। आज स्थिति यह है कि बॉस बच्चा तीर मार देता है और जहां लगता है वहां गोला बना देता है कि यही मेरा गोल था, पता ही नहीं है जाना कहां है। एंड दिस इज जो सबसे बड़ी विडंबना है आज स्टूडेंट्स की। बच्चे हमेशा जब टारगेट अचीव करना होता है तो पहले गोला बनाते हैं फिर तीर लगाते हैं, तब जाके तो वो निशाने पे लगेगा ना। यहां क्या हुआ पता है, तीर मार दिया, लग गया और जाके गोला बना दिया कि हाँ यही मेरा टारगेट था। सब चल रहे हैं लेकिन जाना कहां, सब एक टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम भी वही पढ़ रहे हैं। अरे बॉस डिसाइड, अपना माइंड अपना दिमाग लगाओ, तब जाके आगे के ऑप्शंस आपके लिए खुलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा चीजों को, छोटे छोटे लालच छोड़ने पड़ेंगे, छोटी छोटी चीजों पे अवॉइड करना पड़ेगा। अरे सिंपल सा लॉजिक है यार, अगर ऊपर जाना है रस्सी पकड़ना है तो ये रस्सी छोड़ना पड़ेगी, तब तो ऊपर वाली पकड़ोगे ना, ये है ऊपर जाने का तरीका। तो छोड़ने की आदत सोचो, दिमाग नहीं लगाना है, छोटी छोटी चीजों को अवॉइड करना सीखो, तब जाके टॉप ब्रेन डेवलप होगा और तब जाके टॉप कंपनी मिलेगी। जो है वहां पे वो भी हम जैसे ही लोग हैं। गॉट माय पॉइंट?